सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, अभी बज रही सुबह के 6 और मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी के हाथ में दर्द है, तो मम्मी कुछ नहीं कर पाएंगी, तो इस वजह से मुझे आज बस सेवई बनाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ अपने सेवई दिखाऊंगी कि मैं देखी किस तरीके से, और मैं आज एक और चीज बनाऊंगी, मैं शीर खुरमा भी ट्राई करूंगी, तो मैं आपके साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी शीर खुरमा का। तो अभी मैं सेवई भूनती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हम लोग के रूम का बेडशीट है जो कि हम लोग आज बिछाए हैं, और ये रहा हम लोग का डोरमेट। और ये रहा भाई की तरफ का बेड, साइडर बिछाना है अभी हम लोगों को, तो जल्दी जल्दी जाते हैं, फिर काम करते हैं, आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं सेवई भून कर रख ली हूँ साइड में, इधर दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं एकदम इक्वल हमने सेवई भुनी है, तो सेवई भून कर अभी हम रख दिए हैं। और इधर हम चाशनी के लिए अभी चाशनी तैयार कर रहे, तो अभी मैं चीनी और पानी का घोल तैयार करके इसको चाशनी बनाऊंगी, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को उड़द का दाल पीसने में, क्योंकि हम लोगों ने जो जार दिया था भैया को बनने के लिए, उन्होंने बड़ा जार नहीं दिया हमें, और हमारा छोटा ही जार हमारे पास है, तो अभी इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको पीस कर इसमें देख रख के फिर आपको आगे बताऊंगा। ये कब तक ही नपी अभी चले वो होगा, अभी चाशनी बनने का बस वेट है। चाशनी फ्रेंड्स, दूध छुआड़ा रेडी है, और इसको खाकर आसिफ जा रहा है मस्जिद नमाज पढ़ने, और अभी हम लोग भी आपको दिखाते हैं आगे। अभी इसमें केवाम में हमने सेवई ऐड कर दिया है, और अभी इधर एक साइड में दूध भी खोल रहा है, तो फिर उसके बाद हम दूध इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं यहाँ कलेजी भी बना रही हूँ सुबह का जो ब्रेकफास्ट के लिए, कलेजी पराठा हमारे यहाँ बनता है, तो अभी मैं उसको भी बना रही हूँ इधर, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें दूध डालने के बाद। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों का जो सेवई है वो एकदम रेडी हो चुका है, और मैंने आज जैसे कि आपको बताया, और यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ कलेजी जो हो रहा है, और यहाँ पर मैं मटन के लिए भी चढ़ा दी हूँ कुकर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि आज मैं स्पेशल कुछ भी बनाऊंगी, आज मैं शीर खुरमा भी ट्राई करूंगी, तो अभी ये सब बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और आप लोग भी इन्वाइटेड है फ्रेंड्स, आ जाइए हमारे यहाँ पे ईद पे, तो आप लोग गर्मा गर्म सेवैयाँ खाइए। ये देखिए, इनको नींद लग गया लग रहा है। ईद मुबारक हो दीदी आपको, और इनके साथ इनका बेटा भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल बोलो, ईद मुबारक बोलो, जल्दी बोल दो सबको ईद मुबारक हो, नहीं बोलोगे? फ्रेंड्स, ये सोकर उठ रहा है इसलिए अभी नहीं। यहाँ पर साहिबा को सुबह ही सुबह भूख लग गई है, और जो बेकाम वाली है उनका बेटा उसको भी भूख लग गया, तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए क्यों ना आलू बंडा और जलेबी मंगा दिया जाए, तो मैं अभी इन लोगों के लिए मंगाई हूँ, अभी ये लोग खा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पुलाव के लिए भी चढ़ा दिया है, और पानी डाल दी हूँ, अभी पानी खोलने का वेट करूंगी। इधर जो है वो कलेजी भी एकदम अच्छे से बनी गया, ऑलमोस्ट सीटी लग रही है। और यहाँ पर मैं मटन का जो है प्याज वो भी फ्राई हो गया है, अब मैंने मटन भी धुलकर साइड में रख लिया है, और इसको गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं मटन इसमें ऐड करूंगी। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मटन जो भी भुन चुका था, इसमें मैंने मसाला ऐड कर दिया, अभी भुनेगा। कलेजी पर मैंने पुलाव जो चढ़ा दिया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को हमारे चैनल खान सिस्टर, आप सभी को हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को कल के वीडियो में कि मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मुझे ही मेरे जिम्मे था सब कुछ बनाना, तो मैंने पूरा चीज़ बना लिया, सब कुछ रेडी। अब मैं सिर्फ शीर खुरमा बचा है जो कि मैं बना रही हूँ अभी, तो बहुत ही ज़्यादा वाला है, ताकि मैं पहले से सब कुछ बना के रेडी कर लूँ, ताकि मुझे मैं जब फोटो खिंचवाऊँ तो मम्मी मुझे बोले ना कि बेटा आके ये चीज़ बनाओ, आके वो चीज़ बनाओ, तो आके एकदम ईजी रह जाएगा। तो बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे फ्रेंड, इतना ज्यादा जल्दी, और मैंने सबको नाश्ता भी करा दिया वो। और हीना पी के यहाँ सुनिए फ्रेंड, हीना पी अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट देख रही है और सबको कॉल करते जा रही है कि फ्रेंड, हाँ मतलब आप लोग आ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर अगले साल मेरी शादी हो गई तो इसीलिए मैं इस बार सबको बुला ले। आज बाथरूम में बंद होने वाले हैं हम, हीना पी को काम भी कर, अभी हम लोग
तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारा काम है और मेरी और... काम वाली दीदी पीछे चलाने लगी दीदी, और वो पहले ही छिप गई कि हम लोग उनको लेना। तो अभी हम लोग जाते फटाफट काम करते, फिर हम लोग आपको दिखाते हैं और हम लोग आउटफिट अपना पूरा दिखाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी जब हिना भी मुझे ईदी देगी। तो ये गलत फहमी है। नहीं फ्रेंड्स, ये देख इसको ईदी मिलेगी तो ये इसमें से मेरे को हाफ देगी क्योंकि छोटे लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए हम लोग की मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है ना यार। तो फ्रेंड्स हम लोग आपको अपना बाद में दिखाएंगे। लोग जा रहे हैं यहाँ नमाज पढ़ने और यहाँ पर हिना पीड़े हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हो उधर जा रही है। तो चलिए हम लोग नमाज पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर मेरा सब कुछ रेडी है। यहाँ मैंने मटर चढ़ा दिया है, मतलब छोला चढ़ा दिया है, मेरा मटर बन गया, यहाँ मेरा पुलाव बन चुका है। और अभी मैं शीर कुरमा के लिए यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैंने पेस्ट पीस कर रख लिया है दही वड़ा के लिए। तो मैं थोड़ी देर में दही वड़ा बनाऊंगी। तो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं फ्रेंड। यहाँ पर अभी मैं शीर खुरमा बनाने जा रही हूँ और शीर खुरमा के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रख दिए। ये मुझे नहीं डालना शीर खुरमा में और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने रख दिए। और अभी मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई क्योंकि मैं कढ़ाई में डाल दूँगी अभी ऑयल और उसके बाद अभी मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रोस्ट करके निकाल लूँगी। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने जो कढ़ाई चढ़ाई है और यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए चढ़ाया था, इसमें मैं कुछ केसर ऐड करूँगी ताकि इसका जो नेचुरल कलर है वो आ जाए। और अभी मैं इसको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। अभी मैं इसमें चीनी भी थोड़ी देर में डाल दूंगी। तो अभी मैं केसर के साथ इसको फैलाती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये दूध जो है वो अच्छे तरीके से खोल चुका है और इसमें जो केसर का येल्लोइश पन होता है वो भी हल्का हल्का आ गया। और यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट करके रख लिए हैं। तो अभी मैं इसमें इसको ऐड करूँगी। तो अभी थोड़ा सा दूध और पकने दे सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं आपने, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था दूध और अभी खोलते खोलते दूध इतना पक चुका है। तो इसके बाद हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर सेवई को भी लेकर उसको एकदम अच्छे तरीके से बारीक कर लिया है तोड़ तोड़ के। और यहाँ पर अभी मैं देसी घी डाली हूँ इसमें। अभी मैं सेवई डालकर भी थोड़ा सा फ्राई कर मतलब भून लूँगी, फिर ही मैं डालूंगी। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिया और मैंने इसमें हल्की सी सेवई जो है वो ऐड की है। तो अभी इसको पकना है फ्रेंड्स। और मैं सॉरी आप लोगों को ऐड करते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि साहिबा है नहीं फ्रेंड्स, मैं एक हाथ से व्लॉगिंग और एक हाथ से नहीं कर पा रही थी और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो मम्मी रेस्ट कर रही हैं तो मुझे खुद ही अकेले करना था। तो मैं अभी इसको बनने के बाद दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा शीर कुरमा है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं इसको थोड़ा देर और पक जाएगा, फिर इसको मैं निकाल के एक बाउल में उसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि शाम में मैं इसे एकदम ठंडा ठंडा परोसूं। ऐसे ये गर्म में भी आप सर्व कर सकते हो और ठंडे में भी सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसे ठंडे में सर्व करूंगी। तो मैं इसे बनने के बाद आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हीना पे शीर खुरमा बना दी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनाई है, मुझे थोड़ा सा टेस्ट करवाई क्योंकि और पहली बार हीना पे बनाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा। तो अभी शाम में गेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि कैसा बना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो मैं जो भी तारीफ करेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि हीना पी का मेहनत सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर ये है और यहाँ पर हम लोगों का छोला हो चुका है रेडी, तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, स्टे ट्यून्ड गाइस। यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो जिनको नॉनवेज खाना है, तो मैंने यहाँ चिकन फ्राई भी मैरिनेट करने के लिए रख दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर चिकन पॉप्सिकल बना रही हूँ, तो इसको भी मैं अच्छे से भी ग्राइंड करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अभी दही बड़े में दही अरे बड़े छान रही हैं और यहाँ पर मैं अभी इसको पानी में डाली हूँ सोक करने के लिए, और अभी मुझे इधर दही बनाना है और इधर मैं भी ड्राई फ्रूट जो है वो भून रही हूँ, जो पहले से मैं बनाया था उसमें ड्राई फ्रूट्स और जो गरी का बुरादा होता है उसको ऐड करने के लिए। तो अभी ये पूरा अच्छे तरीके से भून गया है, अभी मैं इसको क्रश करूँगी थोड़ा, तो मैं अभी आपको बनने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पर हो चुकी है बारिश, असल हो चुका है फाते यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। हमेशा तो ऐसे बारिश नहीं होता था बट आज पता नहीं कैसे बारिश होने लगी यहाँ पर, तो आप सब मौसम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कितना ज़्यादा घेरा हुआ है और यहाँ पर बारिश हो रही है। अल्लाह पाक धूप निकाल दीजिए प्लीज़, आज के दिन तो बारिश में तो रोज़े में बोलते थे बारिश हो बट आज के दिन नहीं बोलते थे कि बारिश हो जाए। तो चलिए वो तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि हीना पी सब कुछ बना लिया, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हीना पी सब कुछ बना लिया, जाओ हीना पी कंटिन्यू करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट भी कट गया है, बारिश भी हो रही है और यहाँ पर जो हम लोगों ने दही बड़ा बना के रखा था यहाँ पर दही बड़ा है और यहाँ पर ये है और देख सकते हैं ये लगा, अरे बाबा लगा दी दोनों आँख में, ये लगाई है तो फ्रेंड्स ये फाइनली हम लोगों का ईद का आउटफिट है। आपको मैं साहिबा का लुक दिखाती हूँ, ये है साहिबा का लुक और ये चप्पल को साहिबा को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो बहुत थक गई, वो ज़्यादा देर तक हिल में नहीं कैरी कर पाती है। तो साहिबा का ये पाकिस्तानी लुक है, बहुत ही प्यारा है और ये डिज़ाइन खुशबू अप्पी ने कपड़े को करवाया है और मैं आपको अपना दिखाती हूँ। ये पकड़ साहिबा, ये भी मेरा पाकिस्तानी ड्रेस है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा और ये मेरा सैंडल है साहिबा, मेरा सैंडल तो बिल्कुल फोकस करो, आप लोगों ने मुझे बताया था कि किसका किसका, तो ये तो है हम लोगों का लुक और आज हम लोगों के साथ आज अलग है और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है ज्यादा और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, फोटोज क्लिक करने सुबह दोपहर में हम लोग तो फोटोज इसलिए नहीं खिंचा पाए, देख सकते हैं हम लोग मेहंदी कितनी ज्यादा रची है, दोपहर में हम लोग फोटोज इसलिए नहीं खिंचा पाए क्योंकि बहुत बारिश होने लगी थी इसलिए हम लोग का बहुत ही ज्यादा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, बाकी सब कुछ तो पूरा ठीक कर लिया और आज मम्मी की तबियत खराब होने की वजह से मुझे सब सारा काम हीना पी और हीना पी फर्स्ट टाइम शीर खुरमा बनाई, बहुत ही टेस्टी बनाई थी, रेसिपी शेयर की हो आपने तो? अपना तारीफ रेसिपी शेयर की हो जी, मैंने रेसिपी शेयर की आप लोगों तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और अभी अभी मैंने पूरा सब कुछ कर दिया, मैंने सबको इनवाइट भी कर दिया, अब सब शाम में आएंगे तो मेरी फ्रेंड्स हीनाप्पी के फ्रेंड्स और भैया के फ्रेंड्स आने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, मिलते हैं आपसे, स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हीनाप्पी सब कुछ निकाल के रख दी है और ये रहा छोला और ये रहा शीर खुरमा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और ये रहा ऐसे में जो हमारे यहाँ पहले बना था, और ये छोले में खाने के लिए, और ये ड्राई फ्रूट्स है जो छोले में डाल के खाने के लिए, और ये रहा दही बड़ा। और एक चीज़ हम लोग नया किए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, फ्रेंड्स यहाँ पे सजा के रखे थे हमसे गिर गया, ये देखिए नप्पी आप सजा के रखी थी ना, मेरे से गिर गया वो, आप नहीं बैल, यहाँ पर है नप्पी ग्लास सजाते हुए, तो आप सब देख सकते हैं जो कि मेरे को सबसे ज्यादा इसमें से टेस्टी शीर खुरमा दिख रहा है, पड़ गया हमको डूब जाना तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर साहिबा की फ्रेंड आई है और साहिबा यहाँ पर उसको एकदम अपने हाथों से खिला रही है और यहाँ पर मेरी भाभी भी आ गई है, उनका बाबू भी आ गया, साहिबा इसको यहाँ पर, यहाँ डुगू महाराज बैठे हुए हैं, हेलो करो डुगू, इसका नाम क्या है, गुरु, हेलो गुरु, हेलो, और वहाँ बिट्टू की मम्मी बैठी है, ओह माय गॉड जया दीदी आई है और वो कॉलेज की है, वो श्रेया दीदी है, गुस्से में, हेलो हेलो ब्लॉगर, तब मम्मी याद आई, थैंक यू श्रेया, अच्छे से खाओ, ये पाकिस्तान से, हम कह रहे हैं पाकिस्तान से, मैं भी सोच रही हूँ,
यहाँ पर इनका व्लॉग स्टार्ट है, व्लॉग स्टार्ट है। यहाँ दो यूट्यूबर्स मिले हैं बहुत ही ज्यादा, हम लोग इतना फेमस करने लगे हैं कि मैं क्या बोलूँ। तुम ही हो गए फ्लॉप यूट्यूबर्स, देखो यार ऐसे कैसे बोल सकती है, बेइज्जती हो गई हम लोगों की। तुमने गलती जो आम जनता के बीच में घुस-घुस के मीडिया का है, जब ना वो होता ना बेइज्जती होती है तभी लोगों को। क्या बोली आप? खाते हैं यहाँ पर भैया के सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। हेलो हेलो, हाय कर दो भैया, तो यूट्यूब में आएगा तो फेमस होने का तुमने हो रहा है, तो पैसा नहीं वसूल कर देना की। हाँ यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं यार, किटकैट बोलो भैया के सारे दोस्तों के लिए बना है मोहितो स्पेशल ड्रिंक। क्या हिना पी शीर खुरमा जो बनाई थी वो कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत सारा जो कुछ था सब टेस्ट। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा थकावट हो गई है, एकदम मेरे चेहरे से हटा लीजिए आप, मुझे सर आपका फोड़ देने वाले के हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। मेरी भी एक दीदी आई हूँ, मैं आप लोग से लगती हूँ। ये इनको गौर से देखिए, आप तो इनको जानते ही होंगे, इनको हम टाइम नहीं बताए थे, हम बोले थे सुबह बताएंगे बट हम भूल गए, बिजी थे, तो इनको लगा कि शायद हम इनको नहीं बुलाएंगे। इनको हम अभी बोल रहे तो बोल रही है इतना लेट हो गया तो हम अभी हैं, ये कोई तरीका है दीदी? अगर हम टाइम नहीं बताए तो आप आ जाती। अच्छा बिना ऐसे। अच्छा तो आप अपना अपना घर बोलती है तो आप नहीं आ सकती अपने घर में? अभी यार कुछ भी सॉरी बोली मुझे, आप गलती की है, हाँ इट्स ओके। और दीदी मेरा ईदी भी लेकर आई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा दीदी ईदी क्या लेकर आई है। आप मुझे ईदी दे रही हैं, थैंक यू सो मच दीदी। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा जो मुझे ईदी है गिफ्ट मुझे ने भाभी ने दिया है, तितली की मम्मी ने, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुझे ये सूट लगा और मेरे मन पसंद का है, मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं। और थैंक यू सो मच भाभी, अभी मुझे ईदी देंगी। और फ्रेंड्स ये रीता मैम ने मुझे दिया, ये बहुत ही प्यारा मुझे ये लगा, तो मैं आपको और दिखाऊंगी आगे। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी एक मैम आई थी नीता मैम, वो आकर मेरे लिए लेकर आई त्योहारी के रूप में, और साहिबा को ये दिए हैं मेडिकल वाले भैया, मुझे और साहिबा को दोनों को 1000 रुपये। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ साहिबा अपना लेंस लगा के हीरोइन बन रही है, और मेरा लेंस पे नगर से लगा दी, मेरा लेंस लग ही नहीं रहा था, मेरे आंखों में इतना ज्यादा ईचिंग होने लगा क्योंकि मैंने अपने मिर्ची के हाथों से लगा लिया। फ्रेंड्स हम लोग व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप सो कि आप लोगों का, हम लोग को आई होप सो कि आप फ्रेंड्स हम तो इतना ज्यादा थक गए हैं कि हम तो सांस नहीं ले सकते हैं। मेरे आंखों से आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा थक गए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैक्सिमम हमको लग रहा है कि 30 से ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा आ गए। तो आई होप सो कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छा न्यूज़ दे देंगे इंशाल्लाह।